अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू accessorieshub.com। आज जिस प्रोडक्ट के रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है Xiaomi Mi Band 7। Xiaomi Mi Band 7 का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि एक लेटेस्ट स्मार्ट वॉच है Xiaomi की तरफ से। फिटनेस ट्रैकर में आपको पता ही है कि Mi Band का इस वक्त एक टॉप लेवल है, और ये इस वक्त Mi Band 7 न्यू रिलीज़ हुई है और इसे हम आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे और देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट है Mi Band 6 से, और इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट, या फिर आप Mi Band 6 के साथ ही ठीक है। तो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसे यहाँ से अनबॉक्स किया और यहाँ से इसे ओपन किया, तो पैकिंग आप इसकी देख सकते हैं बिल्कुल वैसी ही है जैसे Mi Band 6 की थी। यहाँ पर इन्होंने इस साइड पर वॉच डाली होती है, फिटनेस ट्रैकर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चार्जर होता है। चार्जर भी सेम क्वालिटी का ही है, सेम उसी तरह जैसे Mi Band 6 और 5 के साथ इनका आया था राउंड सी शेप में। इसे हम बहुत प्यार से इसे रिमूव करते हैं और देखते हैं कि ये चार्जर किस किस्म का है। बिल्कुल देखें, ये उसी तरह का ही चार्जर है और जिसमें Xiaomi की ब्रांडिंग भी साथ है। और अगर हम वॉच की तरफ चलें, फिटनेस ट्रैकर की तरफ जाएं, तो इसे भी हम प्यार से ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या चीज़, कैसी चीज़ देखने को मिलती है। तो ये है जी Mi Band 7। तो दिखने में तो ये बिल्कुल Mi Band 6 की तरह है, मगर है ये Mi Band 7। और अभी हम इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि मतलब इसमें और Mi Band 6 में क्या फ़र्क है, जबकि लुक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा जी, वॉच को हम ऐप के साथ कनेक्ट कर चुके हैं और ये आप देख सकते हैं वॉच की एक फ़र्स्ट लुक। वॉच के फीचर्स देखने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा Mi Band 6 से सिमिलर है। और मुझे जो एक डिफरेंस इसमें और Mi Band 6 में लगा है वो ये है कि इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि ये 1.62 इंच एमुलेट स्क्रीन है और Mi Band 6 की 1.56 थी आई थिंक। वो मैं आपको अभी इसका कंपैरिजन बताता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे पास Mi Band 6 भी है, तो अगर आप ये दोनों के स्क्रीन साइज़ को देखें तो ये Mi Band 7 की स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी चौड़ी है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी लेंथ देखो तो लेंथ में तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा आप कह लें कि चौड़ी है, और ये इन्होंने थोड़ा सा स्टाइल मेरा ख्याल है Honor Band 6 से इंस्पायर होके किया है, क्योंकि Honor Band 6 की भी स्क्रीन थोड़ी सी विथ में ज़्यादा थी, लेंथ में कम थी मगर विथ में ज़्यादा थी। तो ये Honor Band 6 की तरह का इन्होंने इसमें एक फ़ीचर दिया है। डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं एमुलेट डिस्प्ले है और बहुत मज़े का डिस्प्ले है। स्वाइप डाउन करने से नोटिफिकेशंस हैं, स्वाइप अप करने से मेन्यू है, और मेन्यू काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्टिव साइज का मेन्यू है। बैक करते हैं, स्वाइप राइट करने से म्यूज़िक की ऑप्शन है और इस तरह की टेम्परेचर और इस तरह की ऑप्शंस हैं, और स्वाइप लेफ़्ट करने से फिर वही चीज़ है, ये वेदर है और अली पे और ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें, इसकी लुक को अगर हम कंपेयर करें, ये खैर Mi Band 6 का ये ओरिजिनल स्ट्रैप नहीं है, ये आफ्टर मार्केट स्ट्रैप है, तो स्ट्रैप को तो नहीं हम इतना देखेंगे, मगर अगर हम इसकी बैक साइड ये कंपेयर करें तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहले Mi की ब्रांडिंग आती थी और Mi Band 7 में अब Xiaomi की ब्रांडिंग है, और बाकी बिल्कुल सिंपल सा रखा है, जबकि Mi Band 6 में थोड़ा सा पीछे इन्होंने इसको भर दिया है काफ़ी ज़्यादा। बाकी अगर आप सेंसर की बात करें तो सेंसर तो बिल्कुल उसके सेम ही हैं। स्ट्रैप इवन तो इसका अपना नहीं है, मगर अगर आप स्ट्रैप को वैसे कंपेयर करो तो स्ट्रैप का स्टाइल दोनों का सेम ही है, सिमिलर स्टाइल है। और अभी हमने जब इसे ऑन किया है तो हमने इसको इस ऐप के साथ कनेक्ट किया है। ऐप इसकी अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक इस ऐप का नाम है Zep Life Mi Fit। फॉर्मरली इसका नाम Mi Fit था और अब इसका नाम Zep Life हो गया। तो खैर, अगर आप इसको Mi Fit के नाम से भी सर्च करेंगे तो ये Zep Life ही बना हुआ आएगा इसमें। तो ये ऐप इसकी अपडेटेड है,
से आप देख सकते हैं ये इसकी ऐप है और इसमें इसकी भी बैटरी परसेंटेज भी शो हो रही है। अगर आप यहाँ से स्टोर पर जाते हैं तो आपको डिफरेंट तरह के वॉच फेसेस मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉच फेस हैं इसमें, कोई सा भी वॉच फेस लगा सकते हैं। और इसका डिस्प्ले इतना ज़बरदस्त है कि हर वॉच फेस इसमें काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। ये एक वॉच फेस मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। तो इसके अगर हम सिंक करके देखें तो ये देखें, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा और ये सिंक हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये इसमें वॉच फेस लग के आ गया है। तो इस तरह के काफ़ी वॉच फेसेस हैं। मैं अगर इसको यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो होल्ड करके ये इसके डिफरेंट, एक मिनट इसको मैं बैक करता हूँ, यूज़ दिस वॉच फेस, बिल्कुल ये वॉच फेस भी हम इस इधर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी मज़े के वॉच फेसेस हैं। और हम इसी वॉच फेस पर वापस जाते हैं जो इसका ओरिजिनल प्री इंस्टॉल्ड वॉच फेस आता है। इसके अलावा अगर हम इसकी ऐप पर देखें तो खैर और बहुत ज़्यादा वॉच फेसेस हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर हैं जिसमें आप इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ऑटो SMS रिप्लाई भी है, डिले अलर्ट्स भी हैं, और मतलब वही जो ऐप में नॉर्मली चीज़ें होती हैं उस तरह की चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसको छोड़कर हम चलते हैं वॉच पर ही, और वॉच पर हमने इसकी नोटिफिकेशन तो देखी ही है और इसके वॉच फेसेस भी हमने देख लिए हैं। हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स यहाँ से आती हैं, इसमें हार्ट रेट है, हार्ट रेट काफ़ी ज़बरदस्त इसका इंटरफेस है। के अलावा PEI ब्लड ऑक्सीजन इसमें है, वर्कआउट मोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और वर्कआउट स्टेटस है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, स्लीप मॉनिटरिंग है, अलीपे है, वेदर है, म्यूज़िक है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। सेटिंग्स पर जाकर देखते हैं कि हमें क्या चीज़ इसमें देखने को मिलती है। इसमें वॉच फेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले और ब्राइटनेस पर अगर आप जाएँ तो ब्राइटनेस को भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब अभी ये हाफ़ ब्राइटनेस थी और इतना अच्छा लग रहा था, तो अभी इसकी फुल ब्राइटनेस हमने कर दी है। स्क्रीन ऑन ड्यूरेशन हम इसकी चेंज कर सकते हैं, कितनी देर की अभी रखनी है, अभी 10 सेकंड की है। वेक ऑन रिस्ट, बिल्कुल ये आप जिसे कहते हैं रेस टू वेक, वो चीज़ है। बैक इसमें कैसे जाना है, हमने जब बटन ना हो तो ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अनॉय करती है। स्क्रीन ऑलवेज ऑन, तो अच्छा ये एक आप काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप इसका स्क्रीन ऑलवेज ऑन भी आप रख सकते हैं। वेक ड्यूरिंग, इसको मैंने ऑन कर दिया है। स्क्रीन ऑलवेज ऑन, स्क्रीन ऑन ड्यूरेशन, स्क्रीन ऑलवेज, ठीक है, ये इसकी कुछ ऑप्शन है। उसके बाद आप बैटरी सेवर, वर्कआउट, टेल सिस्टम पर जाके अगर आप देखो तो ये अबाउट में जाके इसकी और डिटेल्स आ जाती हैं, इसका फर्मवेयर वर्जन जी और ये सब कुछ। अच्छा मैं अगर इसको कंपेयर करूँ मी बैंड 6 के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मी बैंड 6 में एक तो खैर इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि स्क्रीन साइज में इसका फ़र्क है। इसके अलावा अगर इनमें आप डिफरेंसेस की बात करें कि आपको क्या मी बैंड 7 पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूं कि मी बैंड 6 की जो रेजोल्यूशन है उसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 1.56 इंच है, जबकि मी बैंड 7 जो है वो 1.62 इंच है। दोनों एमोलेड हैं लेकिन स्क्रीन साइज़ में फ़र्क है। फिर एक सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें है कि मी बैंड 6 में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता, जबकि मी बैंड 7 में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और एक फिटनेस ट्रैकर में ये चीज़ डालना आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। उसके अलावा अगर रेजोल्यूशन की बात करें, बेशक इन्होंने स्क्रीन बढ़ा दी है मगर रेजोल्यूशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसका मी बैंड 7 का 192x490 रेजोल्यूशन है, जबकि मी बैंड 6 का 152x486 रेजोल्यूशन है। PPI इसमें 326 है मी बैंड 6 में, जबकि जो मी बैंड 7 है उसका जो PPI है वो इससे ज़्यादा है, 326 से ज़्यादा। आई थिंक ये अराउंड कोई 400 तक है,
400 प्लस है, तो पीपीआई पे भी इनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके अलावा अगर आप बैटरी की बात करो तो बैटरी मी बैंड 6 की 125 mAh की बैटरी है, जबकि मी बैंड 7 पे आपको मिलती है 180 mAh की बैटरी, यानी 55 mAh बैटरी मी बैंड 7 की बड़ी है, जिसकी वजह से इसका जो नॉर्मल आपको टाइम मिलता है वो अगर आप हैवी यूजेज करो तो 9 डेज तक है और नॉर्मल यूजेज पे आपका 15 डेज है, जबकि मी बैंड 6 जो है वो 10 टू 14 डेज इसका बैटरी टाइम है। कनेक्टिविटी इसमें ब्लूटूथ 5.0 है, जबकि मी बैंड 7 में ब्लूटूथ 5.2 है। इसमें फिटनेस मोड भी कम है, मी बैंड 6 में 30 फिटनेस मोड्स हैं, जबकि मी बैंड 7 में आपको 120 फिटनेस मोड्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, 4 टाइम ज़्यादा इसमें फिटनेस मोड्स हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। डायमेंशंस की अगर बात करो तो मी बैंड 6 जो है वो 47.4 by 18.6 by 12.7 mm इसकी डायमेंशंस हैं, जबकि मी बैंड 7 46.5 by 20.7 by 12.25 mm इसकी डायमेंशंस हैं। तो ये जो मेन चीज़ है विथ, यानी कि मी बैंड 6 की 18.6 है और इसकी 20.7 है, यहाँ पर मेन डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैंने बात की थी कि ये चौड़ाई में विथ में थोड़ी सी इससे ज़्यादा है। कलर्स की अगर बात करो तो मी बैंड 6 अगर, वैसे तो स्ट्रैप्स डिफरेंट मिल जाते हैं, मगर ये ब्लैक, ऑरेंज, येलो, ऑलिव, आइवरी और ब्लू कलर में आती है, जबकि मी बैंड 7 काफ़ी ज़्यादा कलर्स में आ रही है, जिसमें ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, वाइट, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, फ्लोरोसेंट ग्रीन, कैमोफ्लाज ब्लू और कैमोफ्लाज ग्रीन में ये वॉच आती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर हम देखें तो ये देखें, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाकर जो स्क्रीन ऑन अपॉन नोटिफिकेशन ये भी है, फिर वेक ड्यूरिंग, इसको हम पढ़ते हैं, ये भी यहाँ पर देखें स्लाइड होगा छोटी स्क्रीन की, वेक ड्यूरिंग वर्कआउट, इसको भी अब हमने ऑन कर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर है ये स्क्रीन ऑलवेज ऑन का है, वेक ऑन रेस्ट इसमें है। अच्छा, ये काफ़ी मज़े की चीज़ है कि आपने इसका रिस्पॉन्स रेट कैसा रखना है, सेंसिटिव, स्टैंडर्ड, हम सेंसिटिव इसको मैंने अभी नहीं रखा हुआ, स्टैंडर्ड ही रखा है। इनेबल स्टेटस इसका है कि आपने किस टाइम इसका इसको ऑन रखना है, इसका जो वेक ऑन वाला मोड है। और इसके अलावा अगर आप वर्कआउट डिटेक्शन, अच्छा प्रेफरेंसेस हैं, प्रेफरेंसेस में काफ़ी मज़े की चीज़ है कि एक तो ये बैंड की लैंग्वेज है कि आपने किस टाइप की लैंग्वेज इसमें रखनी है, लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन वेक किस पे है, टैप स्क्रीन पे या स्वाइप अप, आपने देखा होगा जब स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो हम टैप करके इसको ऑन करते हैं, तो हम यहाँ स्वाइप करके भी स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। तो मैं इसको भी ऑन करके देखता हूँ। उसके बाद सिस्टम पे हम जाके हमने देख लिया था कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, प्रेफरेंसेस फिर वही चीज़ है। अच्छा, ये क्या है, ये प्रेस एंड होल्ड, वंस एनेबल प्रेस एंड होल्ड द वॉच फेस, वंस एनेबल प्रेस द वॉच फेस एंड होल्ड टू एंटर द वॉच फेस एडिटिंग पेज, ओके, ये भी हमने, खैर ये पहले से ही ऑन है, तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं। अच्छा, मोर पर जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैश लाइट, और इस दफ़ा फ्लैश लाइट अगर आप इसको यहाँ से इसे टर्न ऑन, इसे आपने कर दिया है और काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइट लाइट है काफ़ी, और स्क्रीन बड़ी होने की वजह से लाइट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी इन्होंने फीमेल के लिए चीज़ दी है, फीमेल हेल्थ, आप इसमें यहाँ से अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ट्रैक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त मज़े की चीज़ इन्होंने दी है। फिर ब्रीदिंग है, स्टॉप वॉच है, टाइमर, फाइंड माई फ़ोन की ऑप्शन है और कैमरा रिमोट भी इसमें गिवन है, तो ये काफ़ी मज़े की ऑप्शन थी। और अगर आप इसका मी बैंड 6 के साथ कंपैरिजन करो तो आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि एक तो इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है और इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त है और रेजोल्यूशन भी इसकी ज़्यादा अच्छी है और ऑप्शन ज़्यादा मज़े के हैं। तो इसे मैं रिस्ट पर पहनकर एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी लगती है। ये देखें जी, ये रिस्ट पर लगाई है और काफ़ी अच्छी फील इसकी आ रही है। मतलब जो लोग अगर मी बैंड 6 या 5 के बारे में कहते थे कि इसका स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो उस हिसाब से आई थिंक ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं इसका एक क्विक कंपैरिजन करूँगा मी बैंड 7, मी बैंड 6 और मी बैंड
5 का। तो अगर आप देखें मी बैंड 5 इस वक्त ऑन नहीं है, मगर अगर आप यहाँ पर देखें इसकी स्क्रीन साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा था, काफ़ी छोटा साइज़ इसका था, और बाकी खैर इनकी लुक एक जैसी ही थी। मी बैंड 6 में अगर आप देखें तो स्क्रीन साइज़ उससे ज़्यादा बड़ा था, और अगर आप मी बैंड 7 को देखते हैं तो और ज़्यादा बड़ा स्क्रीन साइज़ है और अच्छी रेजोल्यूशन है। तो इस प्रोडक्ट को बाय करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अपना ख्याल रखें।